नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 स्लॉट 5 ब्लेड 1440 आरपीएम वाले कूलर मोटर, जो कि एक इंच स्टेटर साइज, जिसका स्टैम्पिंग साइज है, उसका वाइंडिंग डायग्राम, वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन। तो वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखे ध्यानपूर्वक, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मोटर जो होती है 24 स्लॉट्स की होती है, सिंगल फेस में कूलर की मोटर है, 1 इंच इसका स्टैम्पिंग साइज होता है। और जो इसकी पिच है, डेटा मैं इसके बाद में बताऊंगा, डायग्राम के बाद में, वाइंडिंग डायग्राम के बाद में। तो इसका जो पिच होता है वो होता है 1 से 4, 1 से 6। रनिंग का भी सेम है, स्टार्टिंग का भी सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले मैं रनिंग का बता रहा हूँ। तो 1 से 4 सबसे पहले हमको पिच बनाना होगा, तो कहीं से भी बना सकते हो। 1, 2, 3, 4, 1 से 4 हो गया। फिर इसके ऊपर बनेगा 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 1 से 4, 1 से 6। अब यहाँ पे हम कॉइल डालते हैं इसके अंदर। ये इनर पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड की तरफ। सबसे पहले हम 1 से 4 में डालते हैं, ठीक है? 1 से 4 में कितने बार? 2 बार डलेगी, ठीक है? रनिंग में 2 बार डलेगी 1 से 4 के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद 1 से 6 में डलेगी। एक से छह में 3 बार डलेगी। और यहां पे आउटर पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट आउटर निकल जाएगा। 1 से 4 में 2 बार कॉइल मोड़ के डलेगी, और 1 से 6 में 3 बार कॉइल मोड़ के डलेगी, ठीक है? 37 इंच की कॉइल यहाँ पे है, एक कॉइल। तो एक कॉइल इस तरह से डाल देनी है, फिर मोटर को इस तरह से आगे बढ़ाना है, घुमा लेना है, जैसे मैं डायग्राम को घुमा रहा हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे हम घुमाते हैं। वाइंडिंग वाली वीडियो में देखिए आप। उसके बाद 2 स्लॉट हम शुरू से, जहाँ से हमने स्लॉट भरा है, उसके अगले स्लॉट को हम 6 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, फिर 0 0 0 0 को स्किप कर देते हैं, फिर 2, 4, 6 के बाद 2 स्किप करते हैं, फिर 1, फिर 1। 1 से 4 हो गया, 1 से 6 हो गया, 2 स्लॉट बीच में छोड़कर। फिर इसी तरह से हम कॉइल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर में हल्का सा चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये रनिंग का बता रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले 1 से 4 के अंदर ये इनर तार है, ठीक है? ये 2 छोड़ के 1 से 4 में 2 बार कॉइल डालना है, 1 से 6 में 3 बार डालना है। और यहाँ पे भी आउट पॉइंट निकल जाता है। इस तरह से 2 कॉइल पूरे डल जाते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर 6, 4, 2 स्लॉट बीच में छोड़ देने हैं, ठीक है? 1 से 4, 1 से 6 बना लेना फिर से, और फिर से कॉइल डालना है।
और ये आउटर पॉइंट यहाँ पे निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ने पे फिर वही बना लेना है, 6, 4 ये छोड़ने हैं दो, फिर या फिर 1 और 1, 1 से 4, 1 से 6, फिर हमको उसी तरह से कॉइल डालना है सेम टू सेम। एक से चार में 2 बार, और 1 से 6 में 3 बार। तो इस तरह से कंप्लीट रनिंग के 4 क्वाइल डल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग के क्वाइल इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ अलग कलर ले रहा हूं, तो स्टार्टिंग का जब डालते हैं तो आपको जैसे मोटर यहाँ पे ऐसे रखी है तो आपको थोड़ा सा मोटर को ऐसे घुमा लेना है, जिससे कि क्वाइल का जो लेफ्ट एंड राइट सिरा है वो बिल्कुल बीच में आ जाए इस तरह से। और यहाँ पे आपको फिर पिच बनानी है स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए 1 से 4 1 से 6 आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, जो खाली स्लोट है राइट साइड, एक तो उसको पकड़ना है, ठीक है, एक तो उसको पकड़ना है, इसको 6 बना लेना है 6। और जो लेफ्ट साइड वाली में है रनिंग में, उसको 1 बना लेना है। तो 1 से 6 ये बन गया है। उसके बाद इससे नीचे की तरफ 1 से 4 आपको बनाना है। तो ये 1 है और ये 4 है और 2 बीच में यहाँ पे छूट गए हैं, 1 से 4 1 से 6 ऐसे बना लेना है। वो 2 छोड़ देने जिसमें 3-3 क्वाइल 3-3 बार मोड़ आए थे, क्वाइल के 3-3 बार ले थे, वो स्लोट को छोड़। तो यहां से शुरू करेंगे, ये इनर तार है स्टार्टिंग का, पहले 1 से 4 में 1 से 4 में 1 बार क्वाइल डालना है, ध्यान रहे। 1 से 6 में आपको फिर 3 बार क्वाइल को घुमाना है, ठीक है, 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 3 बार। इस तरह से और एक आउटर पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम जिनमें 3-3 डाले गए हैं उनको स्किप करेंगे, 1 से 4 बनाएंगे, ठीक है, 1 से 4 ये 2 छोड़ दिए, 1 से 4 हो गया, खाली खाली 1 से 6। बिल्कुल सेम तरीके से, तो 1 से 4 बनाया था उसमें कॉइल 1 बार, 1 से 6 वाले में 3 बार। यहाँ पे 1 से 6 में 3 बार हो जाता है और ये आउटर तार निकल जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर से जिसमें 3-3 बार रनिंग का डला हुआ है उसको स्किप करते हैं, उसके ऊपर 1 और नीचे 4, ठीक है, ये स्किप है 1 से 4, ठीक है, ये 0-0 है। 1 से 4 बनाते हैं, खाली खाली 1 से 6 बनाते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं, एक से चार में 1 बार,
एक से छह में तीन बार कॉइल निकाल लेना है और आउटर पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसी तरह से चौथा वाला भी स्टार्टिंग का बनाना है, इनको जीरो जीरो बना लो, तीन तीन वायरों को खाली छोड़ दो और खाली खाली को एक से छह बना लो, सबसे सिंपल होता है। फिर उसके नीचे एक से चार बना लो, भरे भरे छोड़ के एक से चार, ठीक है। एक से चार में एक बार, एक से छह में तीन बार, तो ये जो है इसका वाइंडिंग डायग्राम तैयार हो जाता है बिल्कुल। अब इसके कनेक्शन देख लीजिए, कनेक्शन पहले रनिंग के बता देता हूँ। ठीक है, रनिंग के बता देता हूँ कनेक्शन। यहाँ से स्टार्ट किया था, इस रेड वाली जो बना रखी है, तो इसका आउटर तार छोड़ देना, इनर तार पकड़ना है रनिंग का, और जो अगली कॉइल है उसके इनर से जोड़ देना है। फिर अगली का आउटर पकड़ना है, अगली के आउटर से जोड़ देना है, फिर इनर पकड़ना है, ठीक है। इनर से जुड़ गया, तो यहाँ पे तीन कनेक्शन बने हैं। देखिए, पहली का इनर दूसरे के इनर से जुड़ा, दूसरे का आउटर तीसरे के आउटर से जुड़ा, तीसरे का इनर चौथे के इनर से जुड़ा, और एक आउटर पॉइंट यहाँ पे आ गया है। ये रनिंग का वन तार इसको बोल सकते हो, और रनिंग का एक यहाँ पे आउटर था जिसको रनिंग का टू आप बोल सकते हो। सेम टू सेम स्टार्टिंग के कनेक्शन भी इसी तरह से हैं, बिल्कुल सेम। स्टार्टिंग के मैं थोड़ा कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन ले रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग के कॉइल भी चार हैं, तो स्टार्टिंग का एक आउटर आप छोड़ सकते हो कॉइल का, यहाँ पे इनर पकड़ना है और अगले के इनर से आपको जोड़ देना है। फिर दूसरे का आउटर पकड़ना है, ठीक है, आउटर से जोड़ देना है, फिर इनर पकड़ना है, इनर से जोड़ देना है। अब दो तार बच गए, ये आउटर है, ये आउटर है, ये स्टार्टिंग का टू है, ये स्टार्टिंग का वन है। टोटल चार तार हैं, दो रनिंग के बचे हैं, दो स्टार्टिंग के बचे। अब इसका डेटा मैं आपको बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसका आप स्क्रीन शूट आप ले सकते हैं आराम से, अच्छे से इसका स्क्रीन शूट आप ले लें, ठीक है। अब मैं इसका डेटा आपको बताता हूँ, देखिए डेटा में मैंने अभी बताया था, स्लोट 24 हैं, ठीक है, आरपीएम 1440 हैं, और स्टेटर साइज है 1 इंच 1 इंच, SWG गेज है, रनिंग का है 30 नंबर, स्टार्टिंग का है 32 नंबर। उसके बाद दोस्तों फर्मा की बात आती है, फर्मा है रनिंग का 37 इंच प्रति क्वाइल, स्टार्टिंग का है 29 इंच पर क्वाइल, ठीक है। ये बात करते हैं टर्न की,
रन है रनिंग में 100, 100 और स्टार्टिंग में 110, ठीक है। पिच की बात करते हैं, पिच है रनिंग के अंदर 1-4 में 2 बार कॉइल डलेगी, 1-6 में 3 बार कॉइल डलेगी और स्टार्टिंग के अंदर 1-4 में 1 बार, 1-6 में 3 बार। तो ये इसका डेटा है, टोटल कॉइल यहां पे 8 है। ठीक है, और इसका कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, कनेक्शन देख लीजिए, कनेक्शन कैपेसिटर कनेक्शन है, 4 तार आए हैं। तो यहां पे देखिए, एक ये रनिंग का है, दूसरा ये रनिंग का है और दो इसके, दो स्टार्टिंग के अंदर हैं। ठीक है, दो स्टार्टिंग के अंदर हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक रनिंग का पकड़ना है, एक स्टार्टिंग का पकड़ना है, दोनों को एक कॉमन बना दीजिए, ये आपका एक प्लस पॉइंट हो गया। और आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें कैपेसिटर में 2 तारे होती हैं, कैपेसिटर के अंदर 2 तारे होते हैं, यहाँ पे 4 का कैपेसिटर लगाना है और यहाँ पे 2 तारे होती है कैपेसिटर की, एक आप रनिंग वाले पॉइंट में लगाइए, एक स्टार्टिंग वाले बचे पॉइंट में लगाइए। अब आपका जो रनिंग वाला जो पॉइंट है, एक उसका एक पॉइंट आप माइनस बना लीजिए। ये 2 तारे आपको लगाना है 220 वोल्टेज में। अगर उल्टा चले तो रनिंग तो आप रनिंग को आपस में बदल दीजिए, स्टार्टिंग के तारों को आपस में बदल दीजिए। 1-3 में कनेक्शन है, दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लें अच्छे से, आपके बहुत काम आने वाला है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अन्य डेटा, अन्य डायग्राम। तो फिर मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।